अभी हम लोग आ गए हैं गोलकोंडा। ये कहाँ है अभी? गोलकोंडा फोर्ट। अच्छा, गोलकोंडा फोर्ट आए हुए हैं। तो अभी क्या है नहीं है तो वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो चलिए जब तक घूमते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, से गोलकोंडा किला के ये बाहर का सीन है और यहाँ पे मार्केट वगैरह है, खाने पीने का भी है, पर थोड़ा कंजस्टेड है एरिया ये। और यहाँ से अब अंदर जाने के लिए मैं शुरू की हूँ। तो यहाँ अंदर जाने के बाद आपको पहले टिकट लेना होगा। तो टिकट का रेट बिल्कुल ही बहुत ही कम है, 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो टिकट लेकर के फिर आप अंदर जाइए। अंदर आप देख सकते हैं कि किला है, तो हर चीज़ आपको डिटेल में बताना कम मतलब छोटी सी वीडियो में संभव भी नहीं है, और हर एक एक जगह पे जा कर के दिखाना वो भी संभव नहीं है, क्योंकि किला बहुत बड़ा है तो एक एक पॉइंट पे नहीं जा सकते। चलिए, मैं तो जितना भी है तो चलिए आप लोग को ले। अभी 10:30 हो रहा होगा ना। तो फ्रेंड से आइए आप भी और किला देखिए, हैदराबाद का ये किला। और ये जो किला आपको घुमा रही हूँ हैदराबाद में, वो 1000 साल लगभग पुराना है, मतलब अभी लगभग कह सकते हैं। और ये अभी हम लोग गेट से एंट्री ले रहे हैं किले के अंदर। आप देख सकते हैं कि गेट भी कितना विशाल है। बताते हैं कि इसकी हाइट 60 फीट है, मतलब 60 फीट की ये हाइट वाली है ये द्वार। और यहाँ से अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने मोटी मोटी दीवारें हैं। और यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, एक तोप रखा हुआ है, तो गोला बारूद कुछ होता होगा ना, तो गेट के सामने ही है वो रखा हुआ। तो जैसा कि बताते हैं कि यहाँ मतलब लोहे जो होते ना, सरिया, ये सब सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, फिर भी ये किला इतना साल पुराना है, अभी भी चल रहा है। पता नहीं किस मिट्टी से ये बना होगा। तो सबसे पहले आप एंट्री लेने के बाद जब थोड़ा अंदर आएंगे तो यहाँ पे चाय और पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का है, तो आपको जो लेना है ना आप यहीं से ले लीजिए। आगे जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आप लेकर के आगे चलें, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है पानी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आ गई हो, पर पता है चढ़ाई बहुत करनी है। तो चलिए आप लोग भी, और काफ़ी पुराना किला है। तो अभी तो मैं वीडियो बनाती जाऊँगी और वीडियो बनाती जाऊँगी, बाद में फिर आप लोग को बताऊँगी कि क्या क्या है, क्योंकि बोलती जाऊँ और बनाती जाऊँ तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्लस थक भी जाऊँगी, धूप भी। पर यहाँ है कि यहाँ वैसे धूप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, पर धूप तो। तो फ्रेंड्स, किले के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे गार्डन भी है। और आपको मैं बताती हूँ, यहाँ का एक यूनिक चीज़ मुझे जो अच्छा लगा सुनकर, उसका वीडियो तो मैं नहीं ले पाई, मगर अगर इस किले में अगर किसी को जॉब की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो 240 kg का एक लोहा रखा रहता था, यानी आयरन, अगर उसे कोई एक हाथ से उठा देता था ना तो उसको वहाँ जॉब मिलती थी, क्योंकि अगर किले में जॉब करनी है तो ताकतवर होना चाहिए। तो चलिए और आगे भी धीरे धीरे मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसका इतिहास तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, मगर बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग को बता रही हूँ कि औरंगजेब के शासन के बाद निजाम बादशाह इसने इस किले पर शासन किया, उनका हुकूमत था। पर उनके हुकूमत के बाद आप ये देख सकते हैं, यानी हम लोग देख सकते हैं, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तब ये किला टूरिस्ट पैलेस बन गया, जहाँ पर लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत ही हुई है किले के अंदर जाने की, तो आप देख सकते हैं सबका मतलब रूम बाय रूम बना हुआ है। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद जैसे ही थोड़ा और अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी ऊँची ऊँची दीवारें, और किस चीज़ से बना हुआ है मुझे भी नहीं पता चला, इतने मजबूत। पर ये थोड़ा खंडहर बन चुका है फ्रेंड्स। और ये फाउंटेन देख रहे हैं, तो ये पहले ज़माने में जब राजा की हुकूमत थी तो उस टाइम यहाँ पे गेस्ट लोग जब आते थे तो पहले जो होता था ना प्रोग्राम वगैरह, तो यहाँ पे होता था और सब लोग देखते थे यहाँ बैठ करके। तो उसके बाद फाउंटेन के बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो किला आप देख सकते हैं कि खंडहर बन रहा है। तो शायद अगर मेंटेनेंस में अगर इसे रखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि धीरे 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 बोलते हैं कि हर चीज़ का अंत होता ही है, तो अगर इसको और अच्छे से मेंटेन किया जाए तो अच्छा है, देश विदेश के लोग आएंगे और घूमेंगे। और हैदराबाद की बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हैदराबाद में 10 है सबसे खूबसूरत जगह देखने को, जिसमें ये 6ठे स्थान पर है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर जाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको एक पार्क दिखाऊंगी, तो वो है नगीना पार्क। तो वो नगीना पार्क में हीरो की
व्यापार होती थी, हीरे की, हीरा जवाहरत की व्यापार हुआ करती थी। और इधर है रानी का किला, रानी हैदर का किला है। ये वही पार्क है फ्रेंड्स जहाँ पे हीरो की व्यापार की जाती थी। और बताते हैं ना कि यहाँ एक एक कमरा बहुत सारे यहाँ है जहाँ रानी के गेस्ट जो रहते थे, सखियाँ सहेली खेलने का सब कुछ, बोलते हैं कि सब कुछ है। और एक एक कमरा तो मैं नहीं लेके जा पाई आप लोग को। अब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ सीढ़ी कितना है वो भी मैं बता दूँ, 360 सीढ़ियाँ हैं। तो कुछ सीढ़ी तो मैं अभी आ चुकी हूँ, अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, अब मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि काफ़ी सीढ़ी है और आप देख सकते हैं टॉप पे जाना। और धूप भी लग रही है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हवा तो चल रही है पर धूप भी लग रही है, तो मेरे से तो संभव नहीं है। तो अब मैं यहाँ से टर्न लेती हूँ और यहाँ क्या क्या है वो भी आप लोग को बताती रहूँगी। तो चलिए और भी जगह घुमा लेती हूँ क्योंकि पहले सोची कि नहीं चढ़ पाऊंगी पर धीरे धीरे चढ़ ली हूँ। और यहाँ पे क्लैपिंग है जहाँ पे बहुत, बोलते हैं कि जहाँ पे आप ताली बजाएंगे तो 1 किलोमीटर तक आवाज़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हैदराबाद पूरी सिटी दिखती है। तो आप टॉप पे जाएंगे जो राजा की दरबार है, वहाँ जाने के लिए आपको 360 सीढ़ियाँ आपको जानी पड़ेगी। मैं नहीं जा पाई, तो 200 सीढ़ी तो मैं जा पाई फ्रेंड्स, उसके आगे नहीं जा पाई। तो चलिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि पूरे टॉप फ्लोर तक आपको नहीं दिखा पाई कि जहाँ राजा का दरबार हुआ करता था। और वहाँ अपनी रानी से हर शुक्रवार को वो मिला करता था, तो रानी को ले जाने के लिए तो पालकी होती थी। तो अब यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, आप ऊपर जैसे भी जा रहे हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा खंडहर सा दिख रहा है। और मगर यहाँ जाना हो ना तो थोड़ा अच्छे मौसम में जाएं, बारिश के दिनों में भी जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। नहीं, सोचते हुए काफ़ी ऊपर तक आ गई, मगर और भी ऊपर जाना है पर अब नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर उसके बाद नीचे भी उतरना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग के साथ जो भी वीडियो है वो सब मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग को अच्छा लगता हो ये चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं, अभी नीचे चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आप मुझे ढूंढने चले गए थे क्या? कि मैं व्यू देखने की कहाँ तक पहुँची? हम तो सोचे अब तो ऊपर तक चली गई होगी। नहीं, फिर मैं सोची कि नहीं ऊपर नहीं जाऊँ, तबीयत कहीं बिगड़ गई तो। हाँ नहीं, मॉर्निंग में अगर किला पे चढ़ना हो ना तो फिर एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में आइए, तब आराम से जा सकते हैं। नहीं तो इतनी धूप और हवा तो है, मगर फिर बोले चलो कोई बात नहीं, हो गया टॉप से इतना देख ली बहुत है, क्योंकि टॉप से भी वो व्यू दिख रहा था, पूरा सिटी दिख रहा था हैदराबाद सिटी। और ऊपर जाते तो और दिखता। तो अब यहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा जगह जाना है? 4 मिनट अच्छा, गाड़ी वाला बताएगा कि कहाँ जाना है। कितना टाइम हुआ? अभी तो 11:30 हुआ है, तो अभी 4 मिनट। यहाँ कितना बजे आ गए थे? 10:30 बजे आए थे, 1 घंटा बहुत है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको किला में घुमा दी, और ये सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है और शाम तक रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।